तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे कि आप 500 रुपीस में कौन से ऐसे गैजेट्स लें कि आपको वो वर्थ लगें और वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हों सिर्फ 500 रुपीस में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन गैजेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना ज़्यादा महंगे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी डे टू डे लाइफ में, यानी कि पैसे खर्च के आप बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहे। और इन गैजेट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कोई भी एफिलिएट प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि उनमें से एक का भी प्रॉफिट मेरे हिस्से तो बिल्कुल नहीं आने वाला, लेकिन अगर आप इन गैजेट्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, तो बिना समय गवाए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अपने पहले अमेजिंग गैजेट्स की। तो पहला अमेजिंग गैजेट है सीक्रेट, जो कि है पैनासोनिक की तरफ से। गाइस ये गैजेट काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन कि एप्पल ने एयरटैग्स लॉन्च किए अप्रैल और मई के महीने में, क्योंकि सीक्रेट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाई जिसकी वजह से प्रोडक्ट नहीं चल पाया। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी सस्ता है और काफ़ी ज़्यादा वर्थ है। सिर्फ 500 रुपीज़ में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, अगर आप किसी भी चीज़ को गलती से भूल जाते हो या फिर कहीं गुम कर देते हो तो 100 फीट के डिस्टेंस में आप उसको आसानी से पा सकते हो। कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस समझो एक बैटरी, एक सीक्रेट आपने एक साल लिया, 18 महीने वो चलेगा, यानी कि 1.5 साल बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर प्रॉब्लम आती भी है तो एक साल की गारंटी कंपनी आपको दे रही है सिर्फ एक 500 के मामूली प्रोडक्ट पे। और वही अगर हम एप्पल एयरटैग्स की बात करें तो वो आपको 25 रुपये का एक एयरटैग, और लेना भी आपको एक नहीं है, सिर्फ 4 का कॉम्बो मिलेगा, एक पीस तो बिल्कुल नहीं। 2500 की जगह 500 पे इन्वेस्ट किया गया और सेम बैटरी आपको वहां पे मिलेगी। और सीक्रेट की एक खास बात और बता दूं मैं आपको, बैटरी परफॉर्मेंस 18 महीने 12 महीने की आपको वारंटी मिलेगी। वाटरप्रूफ, 100 फीट के अंदर ऑब्जेक्ट फाइंड करना, और काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस, और आपके फ़ोन के साथ ये कनेक्टेड भी रहेगा। और अगर आपका फ़ोन गलती से गुम भी हो जाता तो अगर आपका फ़ोन साइलेंट भी पड़ा है तो भी आपका फ़ोन जनरल होके अपनी रिंगटोन बजाना शुरू करेगा। और भाई 500 रुपये में इतनी फीचर लोडेड चीज़ मिलना अच्छी बात तो है और हमें चुभेगी भी नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये भी चीज़ अच्छी लगी होगी और ख़रीदना तो आप बिल्कुल चाहेंगे। पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वाटरप्रूफ भी है और इसकी बैटरी इंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि आपको 3 लाइट्स मिलेंगी कि आप प्रोडक्ट के पास हैं, दूर हैं या काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, वो ये लाइट आपको इंडिकेट कर देगी। 500 में वाटरप्रूफ प्रोडक्ट एप्पल से भी सस्ता, 1.5 साल की नॉन रिप्लेसेबल बैटरी के साथ और 1 साल की वारंटी। अगर आप चीज़ें गुम करने का शौक रखते हो तो ये प्रोडक्ट आप ही के लिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कैसा लगा आपको ये गैजेट? एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी कंपनी का एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई भी स्वाइप कार्ड यूज़ करते हैं? मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, प्लैटिनम कार्ड यूज़ करते हैं? भाई कौन सा कार्ड यूज़ करते हो? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा एटीएम कार्ड की शेप में एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, कैसे? भाई ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये वर्थ है, बस 150 रुपये में आपको ये चीज़ मिलेगी और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है, यानी कि क्वालिटी के साथ आपको कम दाम में क्वांटिटी भी अच्छी मिलेगी। भाई क्या बात है। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की। गाइस अगर मैं आपसे बात करूं कि आप डेली लाइफ में टूल्स यूज़ करते हैं या स्क्रू ड्राइवर या बॉटल ओपनर या कैन ओपनर, ऐसे डिवाइसेस को ये बिल्कुल हटाकर एक छोटा सा काम आसानी से कर सकता है, बताओ क्या? वॉलेट निंजा केवल एक ऐसा डिवाइस है जो कि कैन ओपनर, स्क्रू ड्राइवर, कटर और ना जाने कितने ऐसे काम है जो आसानी से कर सकता है। उसके लिए आपको डिफरेंट टूल्स कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। साइज़ भी इसका कम्पैक्ट है, बिल्कुल एक एटीएम कार्ड के जितना। और अगर मैं आपसे बात करूँ इसके प्राइस की, तो 150 में जाता क्या है भाई, ऐसे हम हज़ारों खर्च देते हैं। तो 150 रुपये की चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्थ है आपके, आप उसको अपनी जेब में क्यों नहीं रख सकते? और इसका साइज़ जो है वो एक एटीएम कार्ड जितना है, यानी कि ये एक TSA अप्रूव्ड कार्ड है, यानी कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है इस कार्ड को अपने साथ कैरी करना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कार्ड अप्रूव्ड है घूमने वालों के लिए। और हाँ, जो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई एयरपोर्ट पे कोई सिक्योरिटी चेकअप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 150 रुपये में ऐसी चीज़ लेना जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है, तो क्यों नहीं आप उस चीज़ को लेंगे? ऐसे अगर मैं बात करूँ इस वॉलेट निंजा के अमेजिंग फीचर्स की, तो इसमें आपको 4 डिफरेंट टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर, ओपनर, 2 डिफरेंट टाइप्स के पीलर्स और काफ़ी चीज़ें, यानी कि एक सेलफोन स्टैंड के साथ साथ
फोर रूलर्स और 6 तरह के डिफरेंट रेंचेस भी मिलते हैं। यार इतनी फीचर्स की वाली चीज वो भी 150 रुपए में आप क्यों नहीं खरीदेंगे। और ये काफी कम्पैक्ट है, इतना सा कार्ड एटीएम कार्ड से भी छोटा, वो अपने वॉलेट में कैरी कर सकते हो मजे से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये 150 रुपए में किसी को चुभने भी नहीं वाला। तो कैसा लगा आपको ये अमेजिंग गैजेट? अगला अमेजिंग गैजेट जो है वो एंड्रॉयड यूजर्स के साथ साथ आईफोन यूजर्स के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईफोन यूजर्स को सेम जैक में हेडफोन जैक भी है और चार्जिंग जैक भी है। ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि एट अ टाइम हमें चार्ज भी लगाना है और एट अ टाइम गाने भी सुनने हैं। भाई आईफोन में एक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड्रॉयड वाले मैनेज कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको भी ऐसा कुछ कर रहे हैं उसके लिए ये डिवाइस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। करना कुछ नहीं है, इस डिवाइस को जस्ट आपको प्लग इन करना है अपने चार्जिंग स्लॉट में और बस काम खत्म। हेडफोन जैक आप इस इंस्टेंशन में मजे से लगा सकते हैं। ये डिवाइस आपके अलग तरीके से भी काम आ सकता है। इसमें है 2 चार्जिंग जैक और 1 हेडफोन जैक, यानी कि अगर आप एक आईफोन का चार्जर भूल जाते हो तो आप एंड्रॉयड का प्लग इन करके भी अपना फ़ोन ईजिली चार्ज कर सकते हो और साथ में गाने सुनने हैं वो भी मजे से हो जाएगा। और ये प्राइस वर्थी है, काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 के अंदर आपको इससे अच्छा गैजेट नहीं मिल सकता। आप लोगों को कई बार ये प्रॉब्लम आई होगी, अपना फोन आप चार्जिंग पे लगा के जैक थोड़ा सा ढीला होगा और बस चार्जिंग बंद। ये प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए मार्केट में एक मैग्नेटिक चार्जर आया, शायद आपने नहीं लिया होगा, डर इस बात का होगा कि भाई वो भी खराब हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक चार्जर नॉर्मल चार्जर से 10% स्लो तो है, लेकिन इसका एक फायदा है, बस आपको इतने से गैप पे अपना चार्जर छोड़ देना है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके आपका फ़ोन चार्ज लगा देगा। इसके साथ आपको मल्टीपल स्लॉट्स मिलते हैं, जैसे कि Type 2, Type C और आईफोन का लाइटनिंग पोर्ट और ना जाने कितने स्लॉट्स। अब आप पे है कि आप डेली यूज़ के अकॉर्डिंग किसको चूज़ करते हैं। तो गाइस 500 रुपीज़ में आपको अमेजिंग गैजेट्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इनमें से कोई भी आपको हेल्पफुल या प्राइस वर्थी लगा हो और काफ़ी ज़्यादा आपके काम आया हो तो लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।